हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाले पर। दोस्तों, हम 1450 क्वेश्चन की PDF रीड कर रहे हैं, जो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, स्टेशन मास्टर, खंड नियंत्रक, गार्ड, वैगन संचालक, निरीक्षक और सेंटिंग मास्टर के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और दोस्तों, ये इस सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। दोस्तों, ये PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज का। पुशिंग में आगे ब्रेक मैन ना होने पर गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन इसका चौथा सही है। इंटरलॉकिंग स्टैंडर प्रथम वाले स्टेशन के मेन लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? तो इसमें गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसका पहला सही है। नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के मेन लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की स्पीड कितनी होती है? तो गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर होती है। ऑप्शन इसका दूसरा सही है। संचार व्यवस्था खोलने जाने वाले इंजन की गति दृष्टया साफ होने पर इकहरी लाइन TFC में कितनी होती है? तो यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और डबल लाइन TFC के दौरान चलने वाली गाड़ियों की दृश्यता साफ होने पर कितनी होती है? तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन तीसरा सही है। सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में पहली गाड़ी के बाद सभी गाड़ियों की गति कितनी होती है? तो ये बुक्ड स्पीड होती है। चौथा ऑप्शन सही है। एक गहरी लाइन पर TFC में लाइन क्लियर मांगने के बाद चलने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होती है? तो ये भी बुक्ड स्पीड होती है। इसमें भी चौथा ऑप्शन सही है। सिंगल लाइन और एक गहरी लाइन TFC। मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? ये 30 मिनट पहले। ऑप्शन पहला सही है। सेंटिंग मालगाड़ी का गार्ड प्रारंभिक स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो ये 30 मिनट पहले। सेंटिंग मालगाड़ी का भी इंटरमीडिएट स्टेशन पर यात्री गाड़ी का गार्ड अपनी ड्यूटी पर गाड़ी के आगमन समय से पहले कब उपस्थित होगा? तो इंटरमीडिएट स्टेशन पर 15 मिनट पहले। प्रारंभिक स्टेशन पर जहां इंजन सेट से लोको पायलट को लाना है, लोको पायलट अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो इसमें 45 मिनट पहले लोको पायलट उपस्थित होगा। प्रारंभिक स्टेशन पर जहां इंजन सेट शटर लाएगा लोको पायलट को लाना है, लोको पायलट अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो यहाँ 15 मिनट पहले उपस्थित होगा। प्रारंभिक स्टेशन पर जहाँ लोको पायलट को चार्ज लेना है, वहाँ लोको पायलट अपनी ड्यूटी पर कब उपस्थित होगा? तो 15 मिनट पहले। खराब कांटे पर गाड़ी की स्पीड अधिकतम कितनी हो सकती है? तो खराब कांटे के मामले में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन सही है। डार्क प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति कितनी हो सकती है? अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन सही है। संटिंग कार्य है तो लोको पायलट को कौन सा लिखित प्राधिकार दिया जाता है? तो संटिंग कार्य है तो TA 806 दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। ब्लॉक सेक्शन में संटिंग करने के लिए एक गहरी लाइन पर लोको पायलट को TA 806 के अलावा क्या क्या प्राधिकार दिया जाएगा? संटिंग की चाबी या टोकन,
ऑप्शन पहला सही है यहाँ, डबल लाइन खंड में ब्लॉक सेक्शन से शंटिंग के लिए लोको पायलट को T-806 के अतिरिक्त क्या क्या प्राधिकार दिया जाएगा? ब्लैक बैंक या ब्लैक फॉरवर्ड का प्राइवेट नंबर। ऑप्शन पहला सही है, लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर कौन कौन जारी कर सकता है? तो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर। ऑप्शन तीसरा सही है, डीएमटी की शंटिंग का सुपरविजन कौन करता है? तो डीएमटी का सुपरविजन गार्ड करता है। छोटे स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसकी देख रेख में की जाएगी? तो ये गार्ड की देख रेख में की जाएगी। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, मालगाड़ी की शंटिंग किसकी देख रेख में की जाएगी जहाँ शंटिंग मास्टर नियुक्त हो? तो शंटिंग मास्टर की नियुक्ति में देख रेख में की जाएगी। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, आंधी तूफान के मौसम में रनिंग लाइन में स्टेबिलिटी लोड में संरक्षा जंजीर कितनी लगाई जाएंगी? बी चार, चार लगाई जाएंगी। दूसरा ऑप्शन सही है, सवारी गाड़ी में इंजन जोड़ते समय इंजन कितनी दूरी पर खड़ा किया जाएगा? तो 20 मीटर दूर खड़ा किया जाएगा। शंटिंग किससे नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता पूछ रहा है, तो कल पुल्ड इंजन से नहीं किया जा सकता, बाकी इन तीनों से किया जा सकता है। बड़े जंक्शन स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसकी देख रेख में की जाएगी? तो यार्ड मास्टर की देख रेख में की जाएगी। टर्मिनल स्टेशनों पर यात्री गाड़ी की शंटिंग किसकी देख रेख में की जाएगी? टर्मिनल स्टेशनों पर यार्ड मास्टर। ऑप्शन तीसरा सही है, यार्ड मास्टर की देख रेख में की जाएगी। गाड़ी को एडवांस स्टार्टर तक कब बढ़ाया जा सकता है? स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर के बीच ट्रैक सर्किट हो। ऑप्शन पहला सही है, एडवांस स्टार्टर तथा एडवांस स्टार्टर के बीच ट्रैक सर्किट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल यार्ड में जब लोड खड़ा हो तो कितने वाहनों के हैंड ब्रेक गिराए जाएंगे? तो इसमें छः छः वाहनों के हैंड ब्रेक गिराए जाएंगे। ऑप्शन इसका पहला सही है, लूज शंटिंग कम नहीं किया जाता, तूफानी मौसम में, रात में, साफ मौसम में, या इनमें से कोई नहीं। ये कभी नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही है, और ये कभी नहीं की जाती, बंद हो गई लूज शंटिंग। भारतीय रेलवे में गाड़ी चलाने की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो छः पद्धतियाँ हैं भारतीय रेलवे में। ऑप्शन इसका तीसरा सही है, उत्तर रेल में कुल कितनी संचालन पद्धतियाँ लागू हैं? तो उत्तर रेलवे में NR में 3 पद्धतियाँ लागू हैं। एक गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति देते हैं, एक गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति देते हैं सीओम, गाड़ी की अनुगामी पद्धति को लागू करने की अनुमति कौन देते हैं? अनुगामी पद्धति की बात हो रही है यहाँ, सीओम देते हैं अनुगामी पद्धति की अनुमति। केवल एक गाड़ी पद्धति उत्तर रेलवे में कहाँ लागू है? तो ये दिल्ली गाजियाबाद, केवल एक गाड़ी पद्धति उत्तर रेलवे में जहाँ लागू है, दिल्ली गाजियाबाद। ऑप्शन नहीं, बटाला, बटाला का दिया। तीसरा ऑप्शन सही है इसका, पूर्ण ब्लॉक पद्धति कहाँ लागू है? तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति सभी रेलवे में। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, दो संकेती सिग्नलों में ब्लैक ओवरलैप कितना होता है? दो संकेती सिग्नलों में 400 मीटर ब्लैक ओवरलैप, दो संकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? दो संकेती सिग्नलों में सिग्नल ओवरलैप, तो ये 180 मीटर होता है दो संगति में। दो संकेती सिग्नलों में डबल लाइन पर ब्लैक ओवरलैप कहाँ पर स्थित होता है? दो संकेती सिग्नलों में डबल लाइन पर
ब्लैक ओवरलैप कहाँ स्थित होता है आउटर और होम के बीच में? पहला ऑप्शन सही है, दो संकेती सिग्नलों में डबल लाइन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो ये होम पर समाप्त होता है, दो संकेती सिग्नलों में डबल लाइन पर पिछला ब्लॉक सेक्शन। BSLB कहाँ लगाया जाता है? तो बी क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में। ऑप्शन तीसरा सही है, SLB कहाँ लगाया जाता है? सिंगल लाइन द्विसंकेती। क्वेश्चन 150 है, नेक्स्ट। बी क्लास डबल लाइन द्विसंकेती सिग्नलों में स्टेशन सेक्शन कहाँ स्थित होता है? तो होम अंतिम रोक सिग्नल के बीच में, होम और अंतिम सिग्नल रोक सिग्नल के बीच में बी क्लास डबल लाइन द्विसंकेती सिग्नल स्टेशन सेक्शन कहाँ होता है? तो दोस्तों ये हमारे इस सीरीज का तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा लगा है लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।